सो हे गाइस, तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला MIUI 13 का अपडेट फाइनली इंडिया में कुछ नए डिवाइसों में आज मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग फटाफट से बात कर लेते कौन से डिवाइसों में देखने के लिए मिला है अपडेट। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, अगर आपके पास Xiaomi 11i का डिवाइस है जो कि इंडिया में 11 हाइपर चार्ज के नाम से भी ये डिवाइस देखने के लिए मिलता है और ये अपडेट इंडिया में रिलीज किया गया। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो इसका जो बिल्ड नंबर है MIUI 13.0.1.0 का बिल्ड नंबर देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर मिलता है Android 12 अपडेट, यानी कि MIUI 13 अपडेट और Android 12 अपडेट साथ में रिलीज कर दिया गया। फाइनली दोस्तों Xiaomi 11i हाइपर चार्ज के लिए इंडिया में MIUI 13 अपडेट Android 12 अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। अभी ये जो अपडेट है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो पायलट रिलीज किया गया, यानी कि कुछ पायलट यूजर को मिला, सभी लोग को नहीं मिला है। इंतजार करना पड़ेगा एक वीक का, उसके बाद सभी लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो लिंक्स है ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना फ्यूचर में सभी अपडेट की न्यूज़ और लिंक्स वगैरह पाने के लिए। नेक्स्ट डिवाइस की दोस्तों अगर बात करूँ, अगर आपके पास MI 10 का डिवाइस देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर फाइनली एक नया बिल्ड नंबर का अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो MIUI 13.0.4.0 का अपडेट मिलता है, Android 12 अपडेट मिलता है इसमें और यहाँ पर ये अपडेट MI 10 के लिए ग्लोबल में रिलीज किया गया है MIUI 13.0.4.0 अपडेट के साथ। यहाँ पर मिलता है आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट और यहाँ पर इसकी जो लिंक्स है ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए। अभी अपडेट सभी लोग को नहीं मिला, कुछ ही लोग को मिला है, लेकिन अगर आपके पास MI 10 का ग्लोबल वेंट है आप लोग जाकर चेक करो, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को अपडेट मिला है या फिर नहीं। नेक्स्ट डिवाइस की दोस्तों अगर बात करूँ MI 11 अल्ट्रा की, अगर आपके पास इंडिया में MI 11 अल्ट्रा का डिवाइस देखने के लिए मिलता है तो फाइनली आप लोगों के लिए एक और नया अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है MIUI 13.0.3.0 का अपडेट और ये अपडेट जिनको नहीं मिला उनके लिए अपडेट फिर से मिलना स्टार्ट हो चुका है। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो इसकी दोनों फाइल्स आप लोग देखने के लिए मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, चाहे तो आप लोग इसको चूज अपडेट पैकेज की मदद से मैन्युअली भी अपडेट कर सकते हो। OTA अपडेट से यहाँ पर रिकवरी है, यहाँ पर किसी भी हिसाब से आप लोग अपडेट कर सकते हो। तो ये एक नया अपडेट है MIUI 13.0.3.0 का अपडेट जो कि नया बिल्ड नंबर का अपडेट रिलीज किया गया लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ, ये अपडेट देखने के लिए मिलता है और ये अपडेट भी इंडिया में रिलीज किया गया MI 11 अल्ट्रा इंडिया के लिए। तो चेकआउट कर लेना, कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये अपडेट्स मिले हैं या फिर नहीं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट डिवाइस की बात करें तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो फाइनली Redmi 9A के लिए एक नया अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। क्या Android 12 अपडेट है MIUI 13 है? जी नहीं दोस्तों, अभी भी यहाँ पर MIUI 12.0.20 का ही एक नया अपडेट रिलीज किया गया, यानी कि MIUI 12 का ही अपडेट मिला है, MIUI 12.5 का अपडेट भी अभी तक नहीं मिला है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नया बिल्ड नंबर का अपडेट है Redmi 9A के लिए जो कि अपडेट ग्लोबल साइड में रिलीज किया गया, कोई भी अपडेट सबसे पहले ग्लोबल मिलता है। और यहाँ पर जो बिल्ड नंबर नया देखने के लिए मिलता है वो है MIUI 12.0.20.0 का बिल्ड नंबर मिलता है, इससे पहले शायद 19.0 या फिर 18.0 ऐसा कोई बिल्ड नंबर मिलता था, बट एक और नया बिल्ड नंबर अपडेट वर्जन देखने के लिए मिल जाता है। और ये अपडेट है अभी कुछ ही यूजर को रिलीज किया गया, यानी कि पायलट यूजर को, सभी लोग को नहीं मिला, आज ये अपडेट रिलीज किया गया लिमिटेड यूजर को टेस्टिंग के लिए। इसमें मिलता है लेटेस्ट मे मंथ का सिक्योरिटी पैच अपडेट, काफ़ी अच्छी बात है कि इसी मंथ का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है, बट एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेकार है जो कि यहाँ पर अभी तक इनहेंस एडिशन का अपडेट भी नहीं देखने के लिए मिला है। अब ये अपडेट ग्लोबल में मिला है तो फिर इंडिया में भी बिल्कुल यही अपडेट आने वाले समय में Redmi 9A के लिए देखने के लिए मिल सकता है। और MIUI 12.5 का अपडेट तो अब Xiaomi ही बता सकती है कौन सी डेट पर कब तक रिलीज किया जाएगा, बट MIUI 12.5 अपडेट आना चाहिए था, बट उस अपडेट के बजाय यहाँ पर ये अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब देखते हैं MIUI 12.5 अपडेट मिलेगा या फिर नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको डेफिनेटली वीडियो के जरिए बता दूंगा। फिलहाल के लिए ये वाला अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है, तो ये अपडेट ग्लोबल में पायलट यूजर को मिला, एक हफ्ते का वेट करो सभी लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर ये अपडेट इंडिया में भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और पता नहीं MIUI 12.5 अपडेट कब आएगा, जैसे कुछ पता चले मैं आपको डेफिनेटली वीडियो के जरिए बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों और कुछ डिवाइसों में अपडेट्स देखने के लिए मिले, अगर आपके पास Redmi 10C का डिवाइस देखने के लिए मिलता है तो दोस्तों यहाँ पर Redmi 10C के लिए एक नया अपडेट ग्लोबल साइड में रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है जो कि पार्शियल रिलीज कर दिया गया। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो MIUI 13.0.8.0 का अपडेट है और ये अपडेट Redmi 10C के लिए पार्शियल रिलीज कर दिया गया ग्लोबल साइड में, अगर आपके पास ये डिवाइस है जाकर चेक कर लेना। नेक्स्ट डिवाइस की दोस्तों अगर बात करूँ तो यहाँ पर Xiaomi 12X के लिए ग्लोबल में MIUI 13.0.1.0 का जो कि MIUI 13 का अपडेट है, तो ये अपडेट अब फिर से सभी यूजर को मिलना स्टार्ट हो चुका है, जिनको नहीं मिला है तो आप लोग चेक कर लो Xiaomi 12X के लिए आप लोग को ये अपडेट MIUI 13 अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है, जाकर चेक कर लेना। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट डिवाइस की बात करूँ तो पोको F3 का अगर आपके पास डिवाइस देखने के लिए मिलता है वो भी ग्लोबल वेंट का, तो यहाँ पर भी आप लोग के लिए MIUI 13.0.3.0 का अपडेट है फुल्ली रोल आउट कर दिया गया, यानी कि लगभग सभी यूजर को अपडेट मिल चुका है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग के डिवाइस में अपडेट मिला है या फिर नहीं मिला, तो आप लोग चेक करो आपको ये अपडेट डेफिनेटली देखने के लिए मिला होगा।
पोको F3 के लिए ग्लोबल में MIUI 13.0.3.0 का अपडेट। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें नेक्स्ट डिवाइस, तो अगर आपके पास MI 11 अल्ट्रा का ग्लोबल वेरिएंट का डिवाइस है, इंडिया में भी अपडेट मिला है बट ग्लोबल में भी अपडेट मिला है, MIUI 13.0.4.0 का अपडेट है और ये अपडेट भी लगभग अब सभी यूजर को मिल चुका है। जिनको आज तक नहीं मिला था तो आप लोग चेक कर सकते हो, आप लोग को भी अपडेट देखने के लिए मिलेगा MI 11 अल्ट्रा के लिए ग्लोबल साइड में, तो आप लोग चेकआउट कर लेना। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास इंडिया में MI 11 अल्ट्रा का डिवाइस है, तो मैंने ऑलरेडी आपको अभी थोड़ी देर पहले बता दिया है कि MIUI 13.0.3.0 का अपडेट है वो फाइनली पब्लिक पार्शियली रोल आउट कर दिया गया, यानी कि पब्लिकली कुछ लिमिटेड यूजर को रिलीज किया गया। अगर आप लोग जल्दी जाकर चेक करोगे शायद आपको भी अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपके पास MI 10 का डिवाइस है, तो यहाँ पर फाइनली MI 10 के लिए ग्लोबल में MIUI 13.0.4.0 का जो नया अपडेट रिलीज किया गया था वो यहाँ पर पार्शल रिलीज कर दिया गया, यानी कि पब्लिकली कुछ लिमिटेड यूजर को अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है। ये अपडेट MI 10 के लिए और यहाँ पर ये अपडेट मिलता है ग्लोबल साइड में MI 10 के लिए MIUI 13.0.4.0 का अपडेट। अगर आपके पास ये डिवाइस है जाकर चेक कर लेना। तो ये डिवाइस है दोस्तों, इनको आज अपडेट्स देखने के लिए मिले हैं, तो सभी अपडेट्स के बारे में आना आपको इस वीडियो में बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों जिन लोगों के सवाल आ रहे थे Redmi Note 8 Pro को लेके, तो आज ही मैंने आप लोग के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हो जिनके पास Redmi Note 8 का डिवाइस है। बाकी Redmi Note 8 Pro के लिए भी दोस्तों आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जैसे Redmi Note 8 में अपडेट मिलेगा आने वाले समय में Redmi Note 8 Pro के लिए भी अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात करूं नेक्स्ट डिवाइस अगर आपके पास देखने मिलता है Poco M2 Pro का, तो ऑलरेडी मैंने आप लोग के लिए भी आज वीडियो बना दी है कि यहां पर MIUI 13 का अपडेट Android 12 का अपडेट कब तक रिलीज कर दिया जाएगा, कौन सा अपडेट सबसे पहले रिलीज किया जाएगा, तो उसके ऊपर मैंने आज ही वीडियो बना दी। इससे पहले वाली वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा कब तक अपडेट्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर Redmi Note 10 सीरीज का अगर आप लोग डिवाइस यूज करते हो, तो Redmi Note 10 Pro Pro Max के लिए तो ऑलरेडी नए अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुके हैं इंडिया में, ग्लोबल में सिर्फ Redmi Note 10S के लिए MIUI 13 अपडेट नहीं मिला है इंडिया में। इंतजार करो, आप लोग को आने वाले समय में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, Poco X2 में भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और Redmi Note 9 सीरीज के लिए जैसे कोई डिटेल निकल के आएगी मैं आप लोगों को वीडियो के जरिए बता दूंगा। फिलहाल के लिए MIUI 13 अपडेट, Android 12 अपडेट, Redmi Note 9 Pro Max के लिए, Redmi Note 9 Pro के लिए कब तक रिलीज हो सकता है, तो उसके ऊपर मैं आप लोगों को जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, शायद आप लोगों को कल वो वीडियो देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करना अगर आप लोग Redmi Note 9 सीरीज का डिवाइस यूज करते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो फटाफट से इसको लाइक कर लेना और जो जो डिवाइस को आज अपडेट्स मिले आप लोग जाकर चेकआउट कर लेना। और यहाँ पर जिन लोगों ने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ज्वाइन करो, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में ग्रुप चैनल दोनों की, और वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑल पे पिक कर देना ताकि फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे तो नोटिफिकेशन के जरिए आप लोगों को पता चल जाएगा। इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।